एसर स्पायर 3 AMD 3020E प्रोसेसर के साथ आना यह लैपटॉप, जिसमें कि SSD स्टोरेज मिलता है 256 GB वाला, और भी काफ़ी सारे वेरियंट्स आते हैं इस लैपटॉप के, और लैपटॉप का जो नाम है वो कहीं कहीं पे अलग भी रहता है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। लेकिन प्रोसेसर आप याद रखिएगा, जो प्रोसेसर लगा है वही लैपटॉप होना चाहिए। तो इस लैपटॉप हमें कैसी बैटरी बैकअप मिलेगी, कैसा इसके डिस्प्ले की क्वालिटी है, पोर्ट्स में हमें जो है इसमें डेटा ट्रांसफर स्पीड हमें कैसा देखने को मिलेगा, और कंपनी जो क्लेम करती है बैटरी बैकअप वो इतना क्लेम करती है तो कितना बैटरी बैकअप हमें देखने को मिलता है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। हमारे सब्सक्राइबर ने इस लैपटॉप को लिया था तो हमने उनसे सारी चीजें पूछी है, तभी हम वीडियो में आपको बता रहे हैं बना करके। तो इसको वीडियो को पूरा जाना आपको अंत तक देखना है, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना है आपको। और इस लैपटॉप को अगर आप बाई करने वाले हैं तो यह लैपटॉप आपको ऑनलाइन ही सस्ता देखने को मिलेगा। तो इस लैपटॉप को खरीदने का ओरिजिनल बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप इस लैपटॉप को बाई भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लैपटॉप के बारे में सारी चीजें आपको डिटेल में बताते हैं, और इस वीडियो का पूरा अंत तक देखते रहिए। इस Acer Inspire 3 AMD 3020E लैपटॉप में आपको कंपनी क्लेम करती है कि 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे 6.5 से 7 घंटे का ही बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलता है रियल लाइफ यूजर्स में। साथ ही में दोस्तों आपको एक और चीज़ बता दें कि इस लैपटॉप में जो है ना आपको 4 GB का रैम देखने को मिलता है, लेकिन आप इस लैपटॉप के रैम को बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको एक्सटर्नल स्लॉट देखने को मिलता है, अप टू 8 GB तक का रैम जो है यह सपोर्ट करता है। और इस लैपटॉप के काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं, 4 GB वाला, 8 GB वाला, 256 GB वाला, तो सारे लिंक्स मैंने दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, आपको जो भी लेना होगा उसको आप बाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप एक बार खोल करके ज़रूर पढ़िएगा, आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। इस Acer के लैपटॉप में आपको जो डिस्प्ले यूज़ किया गया है वो है LED पैनल, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है, और अगर आप आउटडोर में यूज़ करेंगे धूप में तो भी आपका जो है ये डिस्प्ले काफ़ी अच्छे से विजिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। साथ ही में इस लैपटॉप के चार्जिंग टाइम की बात करें तो लगभग जो है इस लैपटॉप को चार्ज करने में 1 घंटे का समय लग जाता है। अगर आप यूज़ करते हुए चार्ज करेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा समय लग सकता है, एवरेज यही टाइमिंग रहती है। ओके, अब हम आपको बताते हैं इस लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो है आपको USB पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, 2 USB पोर्ट्स 3.2 जनरेशन वाले, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं डेटा ट्रांसफर करने में। साथ ही में एक 2.0 वाला पोर्ट आपको देखने को मिलता है USB में, और HDMI पोर्ट आपको इस लैपटॉप में देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप एक्सटर्नल बड़ा डिस्प्ले कनेक्ट कर पाएंगे। किंगस्टन लॉक देखने को मिलता है, साथ ही में DC इन पोर्ट जिससे आप इस लैपटॉप को चार्ज करेंगे, और RJ45 पोर्ट लैन पोर्ट यानी कि इंटरनेट वगैरह कनेक्ट करने के लिए वायर द्वारा, तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। हर हेडफोन जैक जो है उसकी भी पोर्ट देखने को मिलती है, उसकी आउटपुट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है इस लैपटॉप में। इस लैपटॉप में चाहे तो आप हल्की फुल्की गेमिंग कर पाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट इसका जो स्टोर होता है वहाँ से आप इस लैपटॉप के लिए गेम्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, एसफोल्ट 9 वगैरह, रेसिंग गेम्स वगैरह, बहुत सारे गेम्स आप इस लैपटॉप में खेल पाएंगे। गेमिंग के लिए भी लैपटॉप बना हुआ है, साथ ही में ऑनलाइन क्लासेस के लिए फोटोशॉप वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, टाइपिंग वगैरह करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इस लैपटॉप आप कर पाएंगे। बेसिक सा लैपटॉप है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाता है लैपटॉप में, प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा था। और मेन बात यहाँ पर यह है कि इस लैपटॉप आपको SSD देखने को मिलता है, जिससे कि लैपटॉप जो वो हमें अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे पाता है। यह जो लैपटॉप है 30,000 के ऊपर के भी लैपटॉप आते हैं वहाँ पे जैसी परफॉर्मेंस देता है वैसी परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलेगी, क्योंकि SSD स्टोरेज इस लैपटॉप में दिया गया है। इस लैपटॉप में आप वीडियो एडिटिंग भी कर पाएंगे और ऐप को यूज़ करके, तो आप यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। साथ ही में इस लैपटॉप में आपको विंडोज 11 देखने को मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, और अगर आप इस लैपटॉप में चाहे तो आगे भी अपग्रेड कर पाएंगे। तो यही था इस लैपटॉप के बारे में। अगर आपको इस लैपटॉप को खरीदना है, वैसे तो लैपटॉप बढ़िया है, बजट में है, अगर आपको लेना है तो इसको खरीदने का ओरिजिनल बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करिए और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, 4 GB रैम वाला, 8 GB रैम वाला, 256 GB, 512 GB, उसमें से देख करके जो भी आपको लेना होगा स्टोरेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको बाई कर सकते हैं।